दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डिन एलएस सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। अभी जो सिरप है खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति, अस्थमा जैसी स्थिति, वायु मार्ग का कसना, फेफड़ों की सूजन, इस तरह की जो कंडीशन होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बलगम वाली खांसी हो गई है तो इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर लीवर सल्बेंडामोल होता है 1 मिलीग्राम की मात्रा में, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लाइड और 30 मिलीग्राम की मात्रा में, गाइफेंसेंस होता है 50 मिलीग्राम की मात्रा में। तो 3 साल्ट के कॉम्बिनेशन से इस कफ सिरप को बनाया जाता है। तो ये 98 रुपये में आपको मिल जाएगा, 98 रुपये 50 पैसे में आपको मार्केट के अंदर मिलता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है और ये एक एथिकल ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 98 रुपये में मिलेगा आपको 100 ml का ये सिरप। तो कार्डिन एलएस सिरप की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लीवर सल्बेंडामोल के बारे में जो कि इसका मेन सॉल्ट है सबसे नंबर एक में। तो लीवर सल्बेंडामोल जो है एक दवा है जिसका उपयोग अस्थमा, वायु मार्ग का कसना और फेफड़ों की सूजन जैसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन जो परेशानी है फेफड़ों की सूजन या अस्थमा जैसी, इसके रोकथाम के लिए इसे लिया जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज जैसी स्थिति के इलाज के लिए भी इसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही फेमस सॉल्ट है ये लीवर सल्बेंडामोल। इसके अलावा दूसरा जो इसका सॉल्ट है वो एम्ब्रोक्सोल। ये कैसे काम करता है? एम्ब्रोक्सोल जो है एक्सपेक्टोरेंट यानी खांसी के रूप में बलगम की जो सहायता से निष्कासन या म्यूकोलाइटिस, बलगम को तरल और ढीला करने का ये काम करता है। जब बलगम फेफड़ों में जमा हो जाता है भारी बलगम तो वो चिपक जाता है, तो फिर उसको ये पतला कर देता है, ढीला कर देता है जिससे कि आसानी से निकल जाता है। तो ये गाढ़े बलगम को तरल ढीला बना देता है और जो खांसी के मध्य से आसानी से बाहर निकल जाता है। तो उससे मरीज को जो है काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है खांसी में, क्योंकि बलगम जमा होने पर फेफड़ों में गाढ़ा बलगम जब जमा हो जाता है तो कई तरह की खांसी, नज़ला, जुकाम, इसके अलावा फेफड़ों में दर्द, सूजन जैसी कंडीशन हो जाती है। अब इसके अलावा अगला जो सॉल्ट है वह है गाइफेंसेंस। ये कैसे काम करता है? तो म्यूकस को ये भी पतला करता है और ढीला बनाता है जिससे खांसी के का जो बलगम है वो बाहर निकालने के लिए आसानी पैदा करता है। और ये गाइफेंसेंस जो है एक्सपेक्टोरेंट नामक एजेंटों की एक श्रेणी से संबंध रखता है। ये वायु मार्गों में म्यूकस को पतला करता है ताकि उसे खांसकर बाहर निकालने में आसानी हो जाए। तो ये खासतौर से बलगमी खांसी जो होती है और या नमूनिया वाली खांसी जो होती है, इस तरह की कंडीशन में खासतौर से जो है इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर लेते हैं इसके डोज़ के बारे में, इसको कितना लेना चाहिए। डोज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसे जो है आपने 10 ml तक एडल्ट में इसको 10 ml सुबह, 10 ml शाम खाना खाने के बाद में लिया जाता है। और बाकी जो है अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस्तेमाल करना चाहिए, बगैर डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यह था वीडियो दोस्तों हमारा कार्डिक एलएस सिरप के बारे में। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये शुगर फ्री होता है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि शुगर फ्री है। तो शुगर के जो मरीज होते हैं वो भी इसको आसानी से ले सकते, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।